भिंड की हर छोटी से छोटी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास जारी। देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य। सनातन धर्म महासमागम का परचम लहराएगा खनेता धाम में आज से। 30 जनवरी से 6 जनवरी तक खनेता धाम गोहद में जुटेंगे चारों शंकराचार्य। विशेष तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। आज से कलश यात्रा के साथ शुरू होगा एक सनातन धर्म का कार्य। सनातन का झंडा लहराएगा खनेता धाम में। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रामभूषण दास जी महाराज के आयोजन में हो रहा है यह समागम। में जुटेंगे हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु। सनातन धर्म महासमागम विशिष्टता। देश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के सनातन धर्म समागम होते रहे हैं, पर यह सनातन धर्म समागम हर दृष्टि से विशिष्ट है। यह समागम महाराज श्री द्वारा आरंभ किए गए श्री पीठाधीश्वर सनातन धर्म सम्मेलन का स्वर्ण जयंती वर्ष की पूर्णता परांत तथा महाराज श्री गोलोकवासी होने के पश्चात आयोजन होने वाले सीएसए मिलन समारोह में रजत जयंती वर्ष में आयोजित किया जा रहा है। इस समागम में निम्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजन के प्रमुख अंग रहेंगे। अष्टोत्तरदश श्रीमद भागवत महापुराण मूल पाठ होगा। अष्टादश महापुराण मूल पाठ होगा। श्रीमद वाल्मीकि रामायण पाठ होगा। 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ, सतचंडी महायज्ञ, श्रीमद भागवत कथा, जगत गुरु संतों एवं विद्वानों के प्रवचन भी होंगे। इस सनातन धर्म महासमागम में जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु द्वाराचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु नामा द्वाराचार्य सहित 21 से अधिक सनातन धर्म के शीर्ष धर्माचार्यों का एक ही मंच से प्रवचन और दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। इस महासमागम में 51 से अधिक महामंडलेश्वर विभिन्न अवसरों पर दर्शन देंगे। सामाजिक समरसता एवं लोक कल्याण की भावना से प्रेरित यह सनातन धर्म महासमागम हर दृष्टि से विशिष्ट है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु यहाँ की सात्विक अनुभूति से अनुभूत होगा। यहाँ जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली है। पहली बार इस प्रकार के आयोजन जिले में हो रहा है। सनातन धर्म महासमागम का परचम खनेता धाम में फहराने की लगभग पूर्ण तैयारी कर ली गई है।